Hey guys, welcome back to Cycle Rider Roy. And आज जो मेरे यहाँ पास यहाँ पे लाइट है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ because I believe आप लोगों ने इस तरीके का लाइट अभी तक हमारे इंडिया में तो नहीं देखा है and probably पूरे वर्ल्ड में भी ये जो लाइट है ना ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये जो लाइट है दिस इज कॉल्ड द फोकस वन. आई थिंक ये दुनिया में अभी करेंटली सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा हल्की 5000 ल्यूमेंस की लाइट है. कैन यू इमेजिन 5000 ल्यूमेंस ऑन जस्ट 49 ग्राम्स. यस, चेक दिस आउट, दिस इज माई पाम एंड दिस इज द लाइट. जस्ट चेक दिस आउट, कितना छोटा सा लाइट है ये. पैकेजिंग वाइज इट लुक्स लाइक दिस. सिंस इट्स अ प्रोटोटाइप सो वी वुड एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग. आई थिंक इन फ्यूचर दे विल हैव सम बेटर पैकेजिंग. एंड दिस इज हाउ द लाइट लुक्स. नाउ दिस स्टैंड यू कैन इजिली रिमूव एंड अटैच एज पर योर चॉइस. एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लाइट लुक्स. वी ऑल्सो हैव दिस ट्रिगर बटन अवेलेबल इन साइड द बॉक्स विच लुक्स लाइक दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग एल्स. सो इसके जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला तो है कि ये 5000 ल्यूमिन्स का फ्लैश पूरा दे सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ अगर हम लाइट के आउटपुट की बात करें ना. 5000 ल्यूमिन्स का मतलब है कि अगर किसी के आंखों में आप डायरेक्टली मार दोगे तो वो अंधा ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस होता है. 49 ग्राम्स का वेट है इसका, मतलब 50 ग्राम से भी कम, तो सोच सकते हो कि कितना हल्का है. ब्रांड क्लेम करती है कि इसके अंदर उन्होंने ड्रोन बेस्ड बैटरी यूज़ किया है, यानी कि जो ड्रोन में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बैटरीज होती है उसका इस्तेमाल उन्होंने इसमें किया है ताकि ये जो लाइट है ये अपना कंटिन्यूस वर्क करते रहे. उसके अलावा काफ़ी सारे सेंसर्स भी इन्होंने इसके अंदर दिए हैं, लाइक टिल्ट सेंसर है, यानी कि जितना ज़्यादा आप इसको टिल्ट करोगे ये एंगल उसको बता देगा आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू. इसके अंदर एम्बियंट लाइट का सेंसर है. एक स्मार्टफोन ऐप भी आता है जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर लाइट को पूरे तरीके से आप कॉन्फिगर कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज दिस लाइट विद योर ई बाइक. नाउ डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ आपको 3 एलईडी लाइट्स नजर आएंगी जो ओवरऑल पूरा इसके लाइट के आउटपुट को आपको बाहर प्रोवाइड करती है. ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 बटन्स हैं जिसमें ऑन ऑफ एंड 5000 ल्यूमिन्स के फ्लैश को यूज़ करने के लिए उन्होंने बटन दिया हुआ है. लाइट के पीछे की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट नज़र आ जाएगा एंड यहाँ पे कुछ स्मॉल इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं जब लाइट ऑन एंड ऑफ हो जाती है. यस, यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ टेल लाइट. ये 300 ल्यूमिन्स तक का जो ब्राइटनेस है टेल लाइट के मोड में देता है. एंड बटन्स को प्रेस करके आप इसके डिफरेंट मोड्स का, जैसे अभी मैंने इसको 800 ल्यूमिन्स के कॉन्स्टेंट ब्राइटनेस पे ऑन कर दिया है. एंड दिस इज़ हाउ द 5000 ल्यूमिन्स लाइट वर्क्स, जिसको अगर आप थोड़ी देर प्रेस करके रखते हो तो ये इस तरीके से ऑन ऑफ हो जाता है. ये फ्लैश मोड भी है इसके अंदर जो अभी आप करंटली देख रहे हो. ये 5000 ल्यूमिन्स का फ्लैश इस तरीके से कंटिन्यूसली देखो देता रहता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है ये. नाउ कंपनी ने एक ऐप को भी डेवलप किया है जिसके थ्रू आप पूरे लाइट को कॉन्फिगर कर सकते हो. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे BYB, यहाँ पे BYB साइकिल राइडर रॉय आ चुका है जो मैंने इसका नाम दिया है. लेट्स कनेक्ट इट. सो वंस द लाइट इज़ कनेक्टेड इस तरीके से ये आपको पूरा जो है ऑप्शन मेन्यू में पूरा दिखाता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे आपके डिवाइस का नाम जो आप सेट करोगे, फर्मवेयर, सीरियल नंबर. अभी एंगल देखो, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि इंस्टॉलेशन एंगल कितना है, 35 डिग्री का. अगर मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ कर देता हूँ अभी, तो आप देखो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा बटन को, ये देखो एंगल चेंज हो गया हमारा, 36 डिग्री के एंगल में अभी ये चला गया है. और अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से खड़ा कर दूँ एंड इफ़ आई रिफ्रेश, सी इट इज़ नाउ शोइंग दैट इट इज़ एट 89 डिग्री एंगल. तो इस तरीके से ये आपको लाइट के एंगल्स भी शो कर देता है. उसके अलावा बैटरी लेवल कितना है अभी आपके इसमें वो पूरा दिखा देता है. हाई बीम लाइट जो आपने ऑन कर रखी है मैक्सिमम ब्राइटनेस पे, लिमिट ब्राइटनेस एट नाइट, बैटरी लाइफ 200 फ्लैश तक का पूरा इसमें शो कर रहा है, इनेबल्ड वगैरह, सिंगल ब्लिंक. ना ब्लिंकिंग पैटर्न में भी आप कर सकते हो, जैसे मैं इसमें ट्रिपल ब्लिंक अभी कर देता हूँ. सो हम इसको एक बार चेक करते हैं सेव करके. ये देखो अब ये ट्रिपल ब्लिंक में जा चुका है. सो गाइस, एज यू कैन सी, जितना हम यहाँ पे देखो पावर का आउटपुट को बढ़ा देंगे उस हिसाब से ये दिखा देगा कि कितनी देर तक ये आपको ओवरऑल बैकअप दे देगा. तो अगर आप लीस्ट में यूज़ करोगे एज अ फ्रंट बीकन तो अब तो 5 घंटे तक ये आपको बैकअप दे देगा. एंड अगर मैक्सिमम ब्राइटनेस को मैं एकदम लो कर दूँ तो ये 1000 फ्लैश तक काम कर सकता है. मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं, 5000 ल्यूमिन्स पे. तो हम इसको 60 पे रखेंगे तो देखो ये 500 फ्लैश तक कंटिन्यूस कर सकता है. उसके अलावा लो बीम लाइट मोड है, मैक्सिमम ब्राइटनेस कितना दे देगा, सारे जितने उस पर आप देख रहे हो, जैसे हमने वेव पैटर्न कर रखा है अभी रेड पे, हम इसको डबल ब्लिंक कर देंगे. सो अब चेक करते हैं कि रेड मोड पे देखो ये डबल ब्लिंक पे अब काम करेगा. सो एज यू कैन सी, बैकअप पे देखो हमारा लाइट वहाँ पे चल रहा है.
So this is how you can use the entire feature of this smartphone app. So currently you can check out in the video कि जो इसका 800 lumens का brightness है वो किस तरीके से लगता है। आप चेक कर सकते हो कि 800 lumens में ये जो smallest bike light है ये कितना easily overall जो हमारे सामने वाले roof को है देखो उसको visible बना के रख देता है। And overall brightness अगर मैं बोलूँ तो इसके size के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, बिकॉज 49 grams अगर आप इसको अपने बाइक में भी यूज़ करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने अपने साइकिल में किसी तरीके के फ्रंट लाइट को लगा रखा है। तो उस हिसाब से तो 800 lumen का ब्राइटनेस जो यहाँ पे दे रहा है आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस मुझे इसका लगा। एंड नाइट टाइम में जो इसका 5000 lumens का फ्लैश है वो कैसा वर्क करता है, चेक दिस आउट। सो यू कैन करेंटली सी इन द वीडियो कि 5000 lumens में जो इसका फ्लैश है वो कैसा काम कर सकता है। एंड आप देख सकते हो कि इसका जो फ्लैश है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इन टर्म्स ऑफ जब मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा था मुझे दूसरी तरफ अपने आईज़ को करना पड़ा कैमरे को एक जगह पे रख के, बिकॉज जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मे बी कैमरे के ISO के वजह से नाइट टाइम में ये उतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्डिंग ना कर पाए, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिकलिटी लाइट का ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। So let's talk about the battery backup. I think during the testing, जब मैं इसको ride पे लेके निकला था एक early morning ride में, so almost I think 6 hours तक तो इसने continuously backup पूरा दिया ही था। उसके बाद मुझे बंद करना पड़ा because मेरी जो ride थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो I think 6 hours तक तो ये constantly flash mode पे चल रहा था। अगर आप इसको 300 lumens जो इसका रियल लाइट का मोड है उसमें यूज करते हो, दिस कैन गिव यू अ बैकअप ऑफ अप टू 20 hours। नाउ इसके इतने सारे प्रोज हम लोगों ने जाने हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉन्स। नाउ नंबर वन विच आई कैन फाउंड आउट, फर्स्ट दैट वी शुड हैव अ मेटल बॉडी डिजाइन ऑन दिस। जब ये हीट हो जाएगा तो जो मेटल का केसिंग होगा वो ज्यादा अच्छी तरीके से हीट डिसिपेशन में हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ दिस प्लास्टिक। नाउ सेकेंड फीडबैक विच आई वुड लाइक टू गिव, instead of this micro USB, I think they should use the Type-C USB charging port, because Type-C USB जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा universal है and काफ़ी easily सभी फ़ोनों में available हो जाता है। Third thing which I would like to add, जो trigger button हमको इस light के साथ provide किया गया है, although that is quite lightweight, but I would have really liked कि अगर वो एक simple पूरे तरीके से wire based होता instead of this half wire and half plastic वाले इस तरीके से wire में, because जो plastic वाला part है उसके टूटने के या उसके कट जाने के chances काफ़ी ज़्यादा हैं। So this light looks really promising, so what I'm gonna do, I'm gonna keep testing this light for another 30 days and after 30 days I'm gonna come with an in-depth review of this BYB Focus One bike light. We're gonna see how well this light performed over the period of 30 days. So make sure you subscribe this channel and press the bell button icon so that whenever I upload that review video, you guys will get a notification. You can also follow me on my Instagram and Facebook handle @CycleRiderRoy to get some latest update regarding this light. So I'll see you with some more videos. Until then, bye-bye.